ओम शांति। 20/2/74 क्या व्यक्तवाणी है? सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो। अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासियों के से मधुर मुलाकात करते हुए पांडवपति शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य को उच्चारे। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को भी महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहजयोगी हो? विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और स्मृति यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त हैं तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब यह गोल्डन चांस प्राप्त है तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल है। आप लोगों को तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी रूह और गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है लेकिन वह अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब हो। जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सब भी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले हो। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है? जैसा स्थान वैसी स्थिति है, जैसा वातावरण वैसी वृत्ति है और जैसा संग वैसी स्मृति है, इसमें अलबेलापन क्यों होता है? कारण कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, इसी प्रकार अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग की भी पहचान नहीं तो अलबेलापन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो। तब ही ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो तब ही ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है। किला मजबूत बनाना यह पांडवों का ही कर्तव्य है। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। गहरी बात बाबू बोल रहे हैं। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। किले की दीवार क्या है? स्वयं ही तो दीवार हैं। दीवार के बीच से यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए और दीवार में जरा भी क्रैक आ जाए तो संपूर्ण दीवार ही कमज़ोर हो जाती है। क्या माया के तूफान और माया के अर्धक्विक फाउंडेशन को हिलाते तो नहीं है या क्रैक तो नहीं पड़ता है? किला मजबूत है ना? किला अर्थात संगठन
जब विश्व का प्रभाव डाल सकते हो, जब विश्व पर प्रभाव डाल सकते हो, तो क्या समीप वालों को प्रभावित नहीं कर सकते? इतना सहज योगी बनो जो आपको देखते ही औरों का योग लग जाए। इतना सहज योगी बनो जो आपको देखते ही औरों का योग लग जाए। एक घड़ी का रूप सारे दिन को, एक घड़ी का रूप सारे दिन को रूहानियत को तो गवा देता है। इससे तो फौरन किराया करना चाहिए। पुरुषों का यह रौब क्या जन्मसिद्ध अधिकार है? है तो सब आत्मा ही ना। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। स्नेह की उत्पत्ति भी तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रौब नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्म सिद्ध अधिकार है ना कि ईश्वरी ना बहन देखो ना भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर से गलने का अर्थ क्या है? शरीर की स्मृति से गलना पांडव का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, इसलिए यह रोग भी समाप्त। अच्छा, इस मूली का सार है, पहला पॉइंट, बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी। बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी आत्माओं की बाप के समान ही महिमा होती है। दूसरा है, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन रूहे गुलाब के समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान है। यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन रूहे गुलाब समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान होता है। तीसरा, गुलाब का फूल कमल पुष्प से श्रेष्ठ है। गुलाब का फूल कमल पुष्प से श्रेष्ठ है क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल पुष्प की केवल विशेषता ही गाई जाती है, परंतु पूजा के काम में नहीं आता। चौथा, रूहानियत से रौब की समाप्ति करनी है। इसे ही शास्त्रों में पांडव का पहाड़ों पर गलना कहा गया है। रूहानियत से रौब की समाप्ति करनी है, इसे ही शास्त्र में पांडवों का पहाड़ों पर गलना कहा गया है। ओम शांति।